रायपुर में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई, बिना लाइसेंस की दवाई रखने को लेकर जानकारी मिली थी जिसके आधार पर हुई है। मरीज का इलाज करते पकड़ा गया है झोला छाप डॉक्टर, रायपुर से कार्रवाई हुई है। 77 प्रकार की दवाइयां भी इस डॉक्टर के पास से बरामद हुई है। क्लिनिक में दवाइयों की खरीदी बिक्री में बड़ी गड़बड़ी भी पाई गई है। पूछताछ करने पर क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर से लाइसेंस भी मांगा गया। लाइसेंस नहीं होने या नहीं देने के बाद दवाइयों की जांच करने के लिए नमूना भेज दिया गया है। जल्द कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के बाद दवाइयों के नमूने भी लिए गए। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनमोल, झोला छाप डॉक्टर लगातार परेशानी का सबब भी बन रहे हैं, जान के दुश्मन भी बन जाते कई बार, और अब कार्रवाई हो रही है। अब बिल्कुल विवेक, देखिए आए दिन खबरें आती है कि झोला छाप डॉक्टरों जो इलाज करते हैं उसके बाद जो है मरीजों को काफ़ी तकलीफ हो जाती है और लोगों की कई बार तो मौतें भी हो जाती है क्योंकि झोला छाप डॉक्टर से वो इलाज करवाते हैं। देखिए अब इस कड़ी में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है राजधानी में। एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था क्लिनिक, उसको पकड़ा गया है आज औषधि विभाग के द्वारा और वहाँ से दवाइयाँ भी जब्त की गई है। 77 अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ जब्त की गई है जिसका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ से खरीदा गया है, कैसे खरीदा गया है, उसका बिल हो गया, चाहे इस तरीके की तमाम कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पाए नहीं गए। इसके अलावा लाइसेंस मांगा गया डॉक्टर से कि आप लाइसेंस दिखाइए, तो लाइसेंस भी नहीं मिला, जिसके बाद दवाई के सैंपल लिए गए हैं। अब ये सैंपल जो है जांच के लिए गया है, अब जांच के बाद पता चलेगा कि जो दवाइयां वहां पर झोला छाप डॉक्टर के द्वारा लोगों को दिया जा रहा था वो दवाई सही था या नहीं था और दवाइयां जो आती थी उसके पास कहां से आती थी, किस तरीके से जो है खरीद बिक्री का खेल चलता था। तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और झोला छाप डॉक्टर जिनकी आए दिन खबरें आती है कि इनके इलाज करने के बाद लोग जो है कई बार परेशानी में आ जाते हैं, लोगों को गलत दवाई जाती है, जान भी चली जाती है, कार्रवाई ऐसी होती रहनी चाहिए ताकि झोला छाप डॉक्टर इस तरह से लोगों का इलाज ना ही कर सकें। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।